वेलकम टू रेसिपीज इन माय किचन। तो आज की रेसिपी है उड़द दाल की मसाले वाली बड़िया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उड़द की दाल को मैंने रात भर अच्छे से भिगो दिया है, फिर सुबह अच्छे से धोकर मैंने इसका सारा पानी निकाल कर इसका मैंने दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये देखिए धनिया पाउडर, जिसे मैंने घर पर ही पीस लिया है। गरम मसाला, इसे भी मैंने घर पर पीसा हुआ है। और इसमें कद्दू पड़ेगा, ये स्पेशली बड़े के लिए कद्दू होते हैं, जिसे मैंने पीस लिया है हल्की मोटी मोटी। ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है अदरक का पेस्ट, इसे भी मैंने दरदरा पीस लिया है। दाल को मैंने पीस लिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से फेंट लेंगे। अब इसके अंदर हम 4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे 3 बड़े चम्मच, 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर हम 1/2 किलो जो कद्दू है, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया था, इसे भी हम दाल के अंदर डाल देंगे। अब सभी चीजों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। जितना अच्छे से फेंटेंगे बढ़िया उतनी ही अच्छी बनेंगी। सारे मसाले और दाल अच्छे से फिट गई हैं। अब चलिए हम इसकी बढ़िया बना लेते हैं। चलिए सभी बढ़िया को हम एक पोलोथीन पर हम बना लेते हैं, पार देते हैं और इसे हमें 5 से 6 दिनों तक धूप में सुखा लेना है। इसी तरह हम सभी बड़ियों को तोड़ लेते हैं। 5 से 6 दिनों तक इसे मैंने धूप में सुखा लिया है, बढ़िया भी अच्छे से सूख गई है। तो बनकर तैयार है मसाले वाली उड़द दाल की बढ़िया।